हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनमोल पाक कला। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बाजार जैसी कुरकुरी आलू टिक्की की रेसिपी शेयर कर रही हूं। कुछ लोग कहते हैं घर पर बाजार जैसी कुरकुरी आलू टिक्की नहीं बनती है, वह लोग इस रेसिपी को ज़रूर देखें। आज मैं इस रेसिपी में सारे वो टिप्स बताऊंगी जिससे आप घर पर आसानी से बाजार जैसी आलू टिक्की बना सकते हैं। साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी भी है। आलू टिक्की के साथ में इमली की खट्टी मीठी चटनी काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसके बिना आलू टिक्की तो बिल्कुल अधूरा रहता है। तो आइए देख लेते हैं इसकी पूरी रेसिपी, किस तरीके से आज हमने बाजार जैसी आलू टिक्की घर पर बनाई है। आलू टिक्की के लिए सबसे पहले हम खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। 20 ग्राम इमली लिया है हमने चटनी बनाने के लिए। 4 छुहारे लिए हैं थोड़े बड़े साइज के। 15 ग्राम किशमिश लिया है। यदि आप सिर्फ इमली से बनाना चाहते हैं तो सिर्फ इमली से ही बना सकते हैं, लेकिन छुहारे और किशमिश चटनी में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। साथ में हमने 10 ग्राम लिया है ड्राई मैंगो आम, ये सूखे आम की कलियां हैं, चटनी में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं। यदि आप कभी इमली को भिगोना भूल गए हैं तो आप इस तरीके से झटपट इमली की चटनी बना सकते हैं। 1 कटोरी पानी डालेंगे इसमें। यदि आपके पास समय काफ़ी ज़्यादा है तो आप इन्हें 7 से 8 घंटे भिगो कर रख दीजिए। जब यह फूल कर अच्छे से मुलायम हो जाएं तो आप इन्हें पीस कर इसकी चटनी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कभी इन्हें भिगोना भूल गए हैं और आप जल्दी से चटनी बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हमने एक बड़ा कुकर लिया है और इसमें 2 किलो आलू डाले हैं उबलने के लिए। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। अब हम रख देते हैं आलूओं के ऊपर यह स्टैंड। यदि आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई प्लेट भी रख सकते हैं, या फिर आलूओं के ऊपर ऐसे ही आप इस भगोने को रख सकते हैं। इस तरह से हमारी चटनी और आलू दोनों एक साथ बॉयल हो जाते हैं, बहुत अच्छे से पक जाते हैं। इससे हमारा बहुत ज़्यादा समय भी बचता है। इस पर हम एक प्लेट लगा देंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। अब हम कुकर को रख देते हैं आंच पर। आलू और इमली की चटनी दोनों एक साथ उबलकर तैयार हो जाते हैं। इस तरह से हमारा काफ़ी ज़्यादा समय बचता है। आलू उबल रहे हैं तब तक हम थोड़े सूखे मसाले भी तैयार कर लेते हैं। 4 चम्मच धनिया लेंगे साबुत, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 10 से 12 काली मिर्च, 2 चम्मच जीरा, 15 से 20 मेथी के दाने, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 6 से 7 लाल मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। इन सभी खड़े सूखे मसालों को हम मध्यम आंच पर इस तरह से भून लेते हैं। आलू टिक्की में बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जब हम इस तरीके से भुने हुए मसाले का पाउडर आलू टिक्की पर छिड़कते हैं। मसालों को हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे और इनकी खुशबू ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से मध्यम आंच पर हम सभी मसालों को भून लेंगे। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इनका हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है जब यह थोड़ा सा भूनने लगते हैं। मसाले भून चुके हैं, इनको हम ठंडा होने के बाद पाउडर बना लेंगे पीस कर। मिर्च को हम अलग पीस कर ले लेंगे तो इनको हम अभी निकाल देते हैं। इधर आलू भी हमारे पक चुके हैं तो अब हम कुकर का ढक्कन हटाकर इसको भी चेक कर लेते हैं। आलू और इमली इस तरह से एक साथ उबल कर तैयार हो जाते हैं और हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। छुहारे, इमली, आम, किशमिश अच्छे से फूल चुके हैं तो इनको हम मिक्सर जार में पीस कर छान लेंगे और आलूओं को भी हम छील कर साफ़ कर लेंगे। आलू भी उबल चुके हैं तो इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इमली और बाकी सामग्री को हमने मिक्सर जार में पीस कर
इस तरह से छान कर ले लिया है। इमली का पल्प हमें इस तरीके से छान कर ले लेना है। अभी यह खट्टा है तो इसको मीठा करने के लिए हम इसमें डाल देते हैं 100 ग्राम गुड़। गुड़ डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच आरारोट पाउडर। सूखा आरारोट पाउडर हमें नहीं डालना है इसमें। थोड़ा सा हम इसका इस तरह से पेस्ट बना लेंगे पानी डालकर और धीरे धीरे इसमें इस तरह से मिला देते हैं। इस तरह से जब घोल कर हम आरारोट चटनी में डालते हैं तो इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ता है, और जब चटनी को पकाते हैं तब यह थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। इसको मिक्स कर देते हैं। अब हम गैस को जलाकर इसको आंच पर पका लेते हैं। 5 से 6 मिनट हम चटनी को पकाएंगे। गुड़ नीचे से चिपके नहीं, इसलिए हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। चटनी में उबाल आने लगा है। इस चटनी को आप पहले से भी बना कर रख सकते हैं। यह चटनी 20 से 25 दिन ख़राब नहीं होती है। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और साथ में फूड कलर। फूड कलर यदि आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फूड कलर डालने से चटनी देखने में ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, रेड कलर की बिल्कुल बाजार जैसी लगती है। इससे चटनी में स्वाद नहीं आता है, देखने में ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं खुशबू के लिए 1/2 छोटा चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच वाइट विनेगर। स्वादिष्ट खट्टी मीठी इमली की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बाजार जैसी। इस चटनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपका मन हो आप इसे निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी होने के बाद यह थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसको अब हम और ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आंच को बंद कर देते हैं। अब हम आलूओं को भी छील कर इसको मैश कर लेते हैं। आलूओं का छिलका उतारने के बाद गरम गरम आलूओं को हम इस तरह से मैश कर लेंगे। आलू जब हल्का गरम रहता है तब हम इस तरह से मैश करते हैं तो अच्छे से आलू मैश हो जाता है। इसमें एक भी गांठें नहीं रहती हैं, बहुत चिकना आलू मैश होकर तैयार होता है बिल्कुल आटे की तरह। 2 बड़े चम्मच इसमें आरारोट पाउडर डालेंगे। यदि आपके पास आरारोट पाउडर नहीं है तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच कच्चा सूजी डालेंगे। आरारोट और सूजी को आलूओं में इस तरह से मिक्स कर देना है, जिस तरह हम आटे को गूंथ कर तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें यह बना लेना है। इस आलू को अब हम तेल में फ्राई करेंगे तो यह काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा बनेगा। आलू की टिक्की आपको जितने साइज़ की बनानी है उतना बड़ा आप बॉल बना लीजिए। इस तरीके से हमें सभी आलूओं के इस तरीके से बॉल बना लेने हैं। उसके बाद गरम तेल में इनको इस तरीके से फ्राई कर लेना है। फुल आंच पर हम सभी आलूओं को इस तरीके से हाफ फ्राई करके निकाल लेंगे। जब यह एक तरफ से फ्राई हो जाती हैं तब हम इन्हें पलटकर दूसरी साइड भी फ्राई कर लेंगे। जब यह थोड़ा फ्राई हो जाती हैं तो इनका कलर इस तरीके से गोल्डन गोल्डन हो जाता है, काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और क्रिस्पी भी हो जाती हैं थोड़ी सी। बाजार वाले इसी तरीके से पहले आलू को हाफ फ्राई करते हैं, उसके बाद जब उन्हें किसी को टिक्की सर्व करना होता है तब इसे दोबारा तवे के ऊपर फिर से फ्राई करते हैं, जिससे यह काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी बनती हैं। साथ में हम थोड़े से या छोटे चिप्स भी फ्राई कर लेते हैं, यह बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। आलू टिक्की जब हम सर्व करते हैं तो उसके ऊपर यह छोटे वाले चिप्स डालते हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी लगते हैं, जिससे आलू टिक्की और भी स्वादिष्ट लगती है। साथ में हम बना लेते हैं थोड़ा सा खट्टा मीठा दही। यदि आपके पास घर का बना हुआ दही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच चीनी डालेंगे और इसको मिला देते हैं। इस तरह से इसको हम फेंटते हुए मिक्स कर देते हैं। खट्टा मीठा हमारा दही तैयार हो गया है, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम टिक्कियों को भी तवे पर फ्राई कर लेते हैं। तवे के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा तेल और डालेंगे यह हाफ फ्राई आलू के बॉल। आप एक साथ जितनी टिक्की बनाना चाहते हैं उतने आप आलूओं के बॉल ले सकते हैं। थोड़ा सा दबाने से यह फैल जाती हैं और टिक्की जैसी बन जाती हैं। जब यह एक तरफ से फ्राई हो जाएंगी तो इन्हें पलट देते हैं, दूसरी साइड भी फ्राई कर लेते हैं।
आलू टिक्की दोनों तरफ से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बिल्कुल बाजार जैसी क्रिस्पी आलू टिक्की बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। आलू टिक्की के ऊपर नमक डालने के लिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा काला नमक और रोज़ खाने वाला नमक लेंगे और दोनों को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर इस तरह से चटनी को डाल देते हैं। यह आलू टिक्की बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और बिल्कुल फ्रेश होता है। इसमें हमने अपने घर की सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, हमें कुछ भी बाहर से नहीं लेना होता है। इसके ऊपर डाल देते हैं भुने हुए मसाले का यह पाउडर और साथ में यह चिली पाउडर भी डाल देते हैं। थोड़ा सा खट्टा और थोड़ा सा मीठा या ठंडा दही आलू टिक्की में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। दही डालने के बाद डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। स्वाद के अनुसार डालेंगे थोड़ा सा नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ती। खाने में और ज़्यादा क्रिस्पी लगे, देखने में भी सुंदर लगे, इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से यह फ्राई चिप्स, साथ में आलू भुजिया। इस तरीके से आलू भुजिया भी आप घर पर बनाकर इसके ऊपर से सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी यदि आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आलू टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुका है बाजार जैसा। इसे देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है, इतनी अच्छी खुशबू है और टेस्ट तो बिल्कुल लाजवाब है। आप घर पर आसानी से बाज़ार से भी अच्छा आलू टिक्की घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की आलू टिक्की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह की और भी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल अनमोल पाक कला। मिलते हैं और भी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।